अब ज़रा आपको लेकर चलते हैं पेशावर, और एक लाइन बोलूँगी जिससे आप सब समझ जाएंगे कि आज क्या होने वाला है। अब मैं बोलूँ कि ना बोलूँ बहुत सारे लोग इस वक्त जो हैं वो समझ गए होंगे, अब मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, ये जनाब झूठ की आदत नहीं मुझे, इसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है। फेमस क्योंकि हर इंसान अभी तक इससे रिलेट कर सकता है, इस करेक्टर से बहुत रिलेट कर सकता है कि कितनी खूबसूरती से इसके अंदर कॉमेडी थी और उसमें कितना हम लुत्फानंदोज़ होते थे कि दुकानें बंद हो जाती थी और सारी मार्केट बंद हो जाती थी, गलियां सुनसान, के जनाब झूठ की आदत नहीं मुझे ये लगने वाला। और हम देखें तो इन्हीं के राइटर हुमायूं हुमा से और अज़ीज़ एजाज जो कि प्रोड्यूसर हैं इस ड्रामे के, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। बहुत मज़े की नशस्त हुई और बहुत अच्छी पोइट्री भी हुई, बहुत थोड़ी सी शरारतें भी हुई हैं। अब शरारतें क्या हुई हैं सब कुछ अभी रिवील नहीं करूँगी, तो आइए चल कर देखते हैं। अक्सर राइजिंग पाकिस्तान में मेहमान अदाकार वगैरह आते हैं ना, तो एक बात आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि पाकिस्तान टेलीविज़न एक दर्सगाह है, कोई शक भी नहीं। लेकिन साथ साथ आपने ये बात भी सुनी होगी कि उन वक्तों में जब ड्रामा बना करता था या शोज हुआ करते थे, तो वो राइटर्स और वो डायरेक्टर्स जब बैठ के उन चीज़ों की तैयारी कर रहे होते थे, अदाकारों के साथ रिहर्सल्स कर रहे होते, तो वो भी पूरा एक सीखने का अमल होता था, एक दर्स का की कैफियत होती थी। आज जब पीटीवी पेशावर में मैं और सबीन और हमारी टीम आए हैं राइजिंग पाकिस्तान के खसूसी स्पेशल एपिसोड्स रिकॉर्ड करने के लिए, तो हमने भी सोचा कि कुछ ऐसे मेहमानों को बुलाया जाए और वो पुराना वक्त के जब महफिलें सजा करती थी इस सेंटर पे और दी एंड नहीं हुआ करता था, बात से बात सीखने का अमल, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता था, कुछ ऐसा ही आज भी इरादा है मेरा भी और सबीन का भी। पेशावर सेंटर से एक मेरे लड़कपन का प्रोग्राम जो मुझे आज भी याद है, और इस्माइल शाहिद साहब की उसमें जो अदाकारी थी, मेरा ख्याल है कि उसको आजकल के स्टूडेंट्स को, आजकल के अदाकारी के शौकीन तलबा और तालिबात को, सिर्फ उसके कुछ सीन्स अगर वो आप देख लें तो आपको पता चले एक्टिंग किसे कहते हैं। लेकिन इन किरदारों के पीछे फिर डॉक्टर हुमायूं हुमा जैसे और अज़ीज़ एजाज साहब जैसे नाम और शख्सियात होती हैं। वी आर सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड के मोहतरम डॉक्टर हुमायूं हुमा, जिन्होंने वो ड्रामा लिखा भी था और उसके अलावा दर्स व तदरीस के शोबे से साल हर साल मुंसलिक रहे, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मर्दान से रिटायर हुए, और उसके अलावा पीटीवी के साथ और अदब के साथ इनका बहुत ख़ास रिश्ता, 20 से ज़्यादा पश्तो ज़बान में इनकी किताबें हैं, 3-2 उर्दू ज़बान में किताबें हैं। इसी तरह से अज़ीज़ एजाज साहब सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रिटायर हुए पीटीवी पेशावर से, और अज़ीज़ एजाज साहब भी शायर भी हैं, 3-4 इनकी कुतुब भी हैं, लेकिन ये भी पीटीवी के उन प्रोड्यूसर्स में से हैं कि जिन्होंने रिसर्च करके ऐसा कंटेंट दिया जो आज भी ड्रामे और वो काम जब रिपीट होता है तो हम स्क्रीन से हट नहीं पाते। अज़ीज़ एजाज साहब वेलकम, अब मैं कहने लगता हूँ वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान, आपका तो हम कहेंगे वेलकम होम, आपका तो अपना घर है। बहुत शुक्रिया, और बड़ी खुशी हुई तौसीफ़ साहब आपसे और आप दोनों से मिलकर, और आपका प्रोग्राम हम देखते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है राइजिंग पाकिस्तान। गलतियां निकालते हैं प्रोड्यूसर की नजर से, गलतियों के जब मैं घर में देख रहा होता हूँ उस वक्त मैं प्रोड्यूसर नहीं होता, अच्छा उस वक्त मैं सिर्फ इंजॉय करता हूँ। ये आपने बहुत आप अच्छा करते हैं क्योंकि आपके बहुत प्यारे दोस्त ख्वाजा नजमुल हसन साहब जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो वो नाजिर के अच्छे से नहीं देखते, वो फोन उठा के फिर गलतियाँ बताते भी और डांटते भी। वो उस्तादों के उस्ताद हैं, वो उस्तादों के उस्ताद हैं, एकेडमी में बतौर खास वो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, ट्रेनिंग ले रहे थे इस्लामाबाद पीटीवी एकेडमी में। एग्जैक्टली, तो बहरहाल वो भी एक अच्छी बात है, वो भी अच्छी खामियों बात। से पता चलता है लोगों को, अपनी इस्लाह का पहलू निकलता है, और बहुत खुशी हुई इस प्रोग्राम में शिरकत करके, और आपने डॉक्टर हुमायूं हुमा साहब के साथ मुझे मधु किया, तो हम दोनों का भी एक बहुत एक पुराना साथ वक्त गुजरा और बड़ा अच्छा हमारा साथ रहा, तो इट्स वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, कहानी ज़रा झूठ की आदत नहीं मुझे से ही शुरू करते हैं जी। वो जब बन रही थी चीज़ तो क्या अंदाज़ा था आप दोनों को कि कितना लाजवाल वो किरदार बन जाएगा इस्माइल शाहिद का और कितना वो मज़ेदार कॉन्सेप्ट बन जाएगा? तो उसी साहब बात ये है ना कि ये पहले पश्तो में मीमजरमा के नाम से नशर हुआ ये ड्रामा, और फिर एजाज साहब की तजवीज़ थी कि इसे उर्दू में किया जाए, तो ये उर्दू के ड्रामे तो मैं लिखता रहा,
लेकिन मज़ाक का कोई इतना वसी तजुर्बा नहीं था। बहरहाल हमने, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं तौसीफ साहब कि उसके जो एपिसोड थे इस एपिसोड मुख्तलिफ हैं उसके, कुछ ना कुछ थे लेकिन उसके बाद हमने कोशिश की कि नए नए एपिसोड उसमें शामिल करें। और मैं एजाज साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, वो इस वजह से कि मैं तो बेजान अल्फाज इनको दे देता था, बिल्कुल बेजान जी। और इस्माइल शाहिद और हमारे शीनो साहब वो उनमें जान डाल देते थे, और मैं इनका इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि इन्होंने कभी मेरे स्क्रिप्ट में जो है कोई उस पर एतराज़ नहीं किया। और मैं हैरान था कि ये टेक्निकली ये सीन ये किस तरह करेंगे, लेकिन वो कहते थे कि आप कंसीव करें और करना मेरा काम, क्योंकि उसमें बहुत से सीन्स ऐसे होते थे जिसमें डायलॉग नहीं होते थे, डायलॉग नहीं होते थे कि वो इस्माइल शाहिद जो है वो मसलन वो पानी नहीं आ रहा, अब वो पानी नहीं आ रहा, वो तो पानी नहीं आ रहा नलके में, नहीं जी बिल्कुल, लेकिन उस पूरी सिचुएशन को क्रिएट करना जी, और उसके अंदर तो कई कई सीक्वेंस में डायलॉग नहीं होता था, वो कैसे हो सकता जी? एजाज साहब आपका वो सारी कहानी होती थी जी। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने मेरी बड़ी इज्जत अफजाई की, और मेरे लिए एक बहुत इज्जत का मकाम था कि मैं डॉक्टर साहब का लिखा हुआ स्क्रिप्ट मैं प्रोड्यूस करता रहा। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे उर्दू पश्तो के अधीन शायर, फिर पीएचडी डॉक्टरेट इन्होंने किए, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। लेकिन यह है कि मैं, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पहले हमने ये सीरीज़ मीम्स और माँ के नाम से पश्तो में की थी, और उस वक्त ऐसा था, मैं डॉक्टर साहब को याद होगा एक बड़ा दिलचस्प आपको वाकया बताऊँ कि उसमें तौसीफ साहब हम मुख्तलिफ़ कहानियाँ हर एपिसोड में करते थे, मतलब आज इस एपिसोड में ये मसाला ये किरदार, दूसरे एपिसोड में ये किरदार। तो कोई 7-8 एपिसोड्स के बाद हम बैठे थे, मैं और डॉक्टर साहब और इस्माइल शाहिद, तो हमने डिस्कस किया कि कोई ऐसा किरदार है जो ऐसा है, उसकी बहुत आउटस्पोकन है, बहुत दबंग है, और बहुत जो है तो साफ गो है, सच साफ गो है, और मुख्तलिफ सिचुएशंस में वो खुद को डालकर और फिर उससे एक आखिर में एक कंक्लूड। तो एक एपिसोड हमने कहा कि देखें आप अंदाज़ा कीजिए कि हालात कैसे रुख बदलते हैं। तो एक एपिसोड हमने रिकॉर्ड किया, वो ऑन एयर चला गया, फिर हम अपनी स्कीम के मुताबिक, डॉक्टर साहब को याद होगा सॉरी कि दूसरे हमने कहानियां शुरू कर दी, 2-3 कहानियां भी हो गई, लेकिन आप यकीन करें कि नाज़रीन की तरफ से इतना ज़बरदस्त, उस ज़माने पीटी सेल होता था, मेरे ऑफिस की हर वक्त घंटियाँ बजती थी, और इतना हम पर प्रेशर पड़ा और अखबारों में, और लोगों ने कहा कि नहीं वही बाबा वाला चलाएं। तो वो एक एपिसोड देन मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि जी ये तो अब मुसीबत बन गई है, तो फिर वो हमने उसी को मुख्तलिफ, फिर उसी के किरदार को लेकर कहानी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में लिखी। और वो अच्छा, फिर ऐसा उसकी हम कोई झलक दिखाना चाह रहे हैं। जरूर, ना ना बछुड़िया, मैं एक पाई भी ज्यादा अदा नहीं करूंगा, मैं पैसे दूंगा मगर नरखनामे के मुताबिक दूंगा, समझ गए? सलाम अलैकुम खान। वालेकुम सलाम बाबू। फिर क्या बात है खान? बात ये थी, तुम खामोश खड़े रहो, समझ गए? तुम मुल्जिम हो, मुदई मैं हूँ, पर्चा कटवाने मैं आया हूँ, समझ गए? बात करो बात, क्या बात है? क्या देखा, बुजुर्गों का अदब करना नहीं सीखा? क्यों, क्या बात है बुजुर्गो? क्या बात है, कुर्सी इधर रखो, इधर रखो। तो अपनी दुकान बंद ही रख सकते नहीं। ये क्या कुश्ती शुरू कर दी आप हजरात ने? ये मासी कौन? जबरदस्त जी, ये छोटी सी झलक तो मैंने देखी है, लेकिन हाँ अब कहीं से मुझे ड्रामा मिल जाए तो दिल करता है कि पूरा देखना चाहिए। साथ साथ डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी कि कॉमेडी लिखना, ये कहते हैं कि किसी को हंसाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, प्रोड्यूसर उसमें जान डालते हैं, डायरेक्टर उसमें जान डालते हैं, एक्टर्स उसमें जान डालते हैं, लेकिन एक स्क्रिप्ट को बनाना कितना मुश्किल होता है कि हाँ मैंने कॉमेडी लिखनी है, लेकिन वो थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए जो इससे पहले काम हो रहा है।
समीना साहिबा, मैं आपको एक बात बता दूं कि बचपन ही से मुझे मज़ाही अदब से बहुत दिलचस्पी थी। शफ़ीक़ुर्रहमान की किताबों से शुरू की, वो मेरे बहुत उनसे मुलाकात भी रही, मेरे मेहरबान भी थे, उनसे मुलाकातें भी हुई और वो मेरे जहन पर ऐसी चस्पा थी उनकी किताबें जो है किरने लहरें जी और जो है वो अब उनका मुकम्मल सेट मेरे साथ, मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं बयान करता, 3,500 किताबें हैं मेरे घर में, तो उनकी किताबें मैंने अपने रेसिपी, उसके बाद फिर मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिया, तो मेरे जहन पर ये मज़ाहिया अदब जो था ना जी, ये बिल्कुल एक नक्श हो चुका था। और मेरी सबसे पहली किताब वो भी मज़ाहिया थी, तोरे के नाम से, जब मैं 8वीं जुमात में था। अच्छा। हाँ, 8वीं जुमात में जी। और जी हाँ, और वो मैं किससे चचा चक्खन से मुतासिर होकर, चचा चक्खन ने तस्वीर टांगी, तस्वीर टांगी, नौटंकी का मेला देखने गए हैं जी। तो वो तोरे जो है बांग-ए-हरम या अखबार हुआ करता था हमारे अमीर हमजा खान शिनवार या अयूब साबिर साहब, तो मैं हर हफ्ते उनको एक एपिसोड लिखकर भेज देता था, वो कहता था कि तोरे ने फिर कोई कारनामा नहीं किया, तो वो चलती रही, वो किताब 2 दफ़ा शाया हो चुकी। तो ये मज़ाहिया अदब से मेरा एक ज़हनी लगाव था। तो फिर उसके बाद PTV के लिए भी मैंने कुछ ड्रामे लिखे, और फिर जो मुकम्मल तौर पर गिरफ्त तो मैं नहीं कह सकता, ये तो इनकी मेहरबानी थी इससे। अच्छा, मैं एक बात और बताऊं जी, ये एक ऐसा कुछ बस हो गया जी, अल्लाह ताला कर देता है काम इंसान से, बिल्कुल ये कुछ सोच की बात नहीं होती, सोच की बात नहीं होती। इस ड्रामे पर मुडे प्राडे परफॉर्मेंस मिला, इस ड्रामे पर इस्माइल शाहिद को मिला, अच्छा इस ड्रामे पर हमारे दोस्त काज़िम उल्ला साहब को मिला, यानी एक कतार लग गई है, इतना सुपर डुपर हिट रहा उस जमाने का ये ड्रामा। तो ये मैं अपने लिए एक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान समझता हूँ। जी हाँ, मुश्किल तो होती, लेकिन आप यकीन करें कि मैं बस में आया करता था मर्दान से यहाँ पेशावर, मेरे जेब में एक डायरी हुआ करती थी, मैं लोगों की बातें सुना करता था कि ये किस किस्म के जुम एक एक दफा इससे पहले जी हम रंग परंग करते रहे, ये भी करते रहे, ये बहुत बेहतरीन किस्म का, बेहतरीन मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता है, वो भी। तो जब एक कसाई बैठा हुआ था, वो अब इन मुख्तलिफ प्रोफेशन के लोगों की अपनी अपनी जुबान होती है, बिल्कुल, तो वो जब गुफ्तगू कर रहा था, आप यकीन करें कि मैंने वो डायरी निकाली, उसके वो अल्फाज नोट करना शुरू कर दिए। अगर किसी अज्जाम की दुकान पर जाता था, मैं उनकी जुबान नोट करता था। अच्छा। और फिर कोशिश होती थी कि मैं इन स्क्रिप्ट्स में उनको समोने की कोशिश। तो देखिए, इससे पहले जो अब लोग कहते हैं कि PTV के जो ड्रामास थे वो आम इंसान उससे बहुत रिलेट कर सकता था, तो उसकी असल वजह ये है कि आप जैसे राइटर्स उनको लिखते ही आम इंसान की जुबान सुन के उन्हीं की जुबान आप बस लिख देते थे। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो ये क्रिएट कैसे हुआ, ये हिकमत शाह का किरदार, हिकमत शाह था ना? जी, तो वो हमारे इस्माइल शाहिद साहब, ये हमारी ग्रुप कोशिश होती थी, हम एक दूसरे से मिलते थे, डिस्कस करते थे, जुमले डिस्कस करते थे। तो उनके दफ्तर में बैठा हुआ था, उन्हें कहा हुमा ज़रा इस बूढ़े को देखें, एक बूढ़ा था, वो कुर्सी पर पांव चढ़ाकर बैठा हुआ था, शिक्ल सूरत उसकी बिल्कुल इस तरह तो नहीं थी, लेकिन दाढ़ी सफ़ेद थी। अच्छा। उससे उसने बात की, जरा इसकी बात भी सुने, सर इसको ज़रा क्रिएट करना है। आप यकीन करें कि मैंने जो पहला एपिसोड लिखा, तो वो उसने भी उसको यार वो शाहकार अंदाज से उसने किया है। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं, अगर वो बुरा ना माने, और मैं तो खैर कहता हूं कि वो उस बूढ़े के किरदार से आगे नहीं निकले। अच्छा अच्छा। बूढ़े का किरदार किया है उन्होंने, फिल्मों में भी किया है, दूसरे ड्रामों में भी किया है, लेकिन उससे आगे वो नहीं निकले। और मैं भी कहता हूं कि मैं मीम जरमा से आगे नहीं निकला। आप यकीन करें, कोशिश करता हूं, झूठ की आदत नहीं मुझे, झूठ की आदत, झूठ की आदत, उससे बेहतर मैं कोई चीज नहीं लिख सकता। अच्छा समीना, आपने कहा कि देखा नहीं, आप यकीन करें कि मेरे ख्याल में तौसीक साहब ये शायद वाहिद इतनी सीरीज है जो कि कोई तकरीबन 14-15 बार PTV से रिपीट हो चुका है। और फिर मैं मुझे याद है, डॉक्टर साहब को भी याद होगा कि मुस्तनसर हुसैन तारट जैसे मतलब बैनुल अक्वामी शोहरत याफ्ता अदीब जब मॉर्निंग ट्रांसमिशन करते थे
तो वो हर एपिसोड वो उन्होंने भी अपने उस प्रोग्राम में चलाए थे सारे 26 26 एपिसोड थे। ये मेरे ख्याल बना भी मॉर्निंग ट्रांसमिशन के लिए था। नहीं नहीं आम उसमें लेकिन उसमें रिपीट होता है ये मतलब ये आम ट्रांसमिशन बल्कि ये प्राइम टाइम पे चला 8:30 बजे लेकिन इसके फिर कुछ हिस्से सुबह दिखाए जाते थे। नहीं एपिसोड दिखाते थे तारर बड़े ही मैं समझता हूँ कि वाशगाफ अल्फाज में और बड़े दिल से हर एपिसोड दिखाने से पहले वो इसकी तारीफ करते थे। अच्छा तो बात और बता दूं 25 मिनट का एपिसोड होता था और उसमें इतने कमर्शियल आने लगे कि आखिर में ये 15 मिनट का एपिसोड बना। अच्छा ये कहते थे स्क्रिप्ट जरा लंबा हो गया जरा कम कर दे। जबरदस्त जी डॉक्टर साहब से मैं जरा बिल्कुल हटके एक बात पूछना चाह रहा हूं। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने कहा था 2004 में आप रिटायर हुए। जी हाँ मैं 2004 में। ये तो अगर मैं जान की अमान पाऊं तो कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि आपकी माशाल्लाह उम्र इस वक्त 78 माशाल्लाह। लेकिन आपका जो एनर्जी लेवल है आपका जो पैशन है गुफ्तगू का मेरा ख्याल है कुछ लोग एजाज साहब ऐसे होने चाहिए जो 60 साल की रिटायरमेंट एज से मुबर्रा होने चाहिए और सरकार को देखना चाहिए कि भाई एनर्जी तो अगले 100 साल मजीद चल सकती है। मेरी बीवी कहती है कि आप अपना 78 किसी को ना बताया करें और जब आती है तो मेरे कान के पीछे वो कालक लगाती है कि कोई नजर बहुत मजे की गपशप इस वक्त जारी है, मजे की बातचीत हो रही है। हम चलेंगे एक ब्रेक पे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो और ज़रा ज़बरदस्त सवालात करेंगे। आपके पास कोई सवालात हैं इस ड्रामे से रिलेटेड वो हमसे ज़रूर करें, लेकिन जानेंगे कि उस सेट पे क्या होता था, चैलेंजेस क्या थे उस वक्त के, किस तरह एक्टर्स परफॉर्म करते थे, कितनी तैयारी रिक्वायर्ड होती थी, ये सब कुछ हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, ये है राइजिंग पाकिस्तान। इस कदर दिलचस्प और मज़ेदार गुफ्तगू और इन्जॉय हम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसे कि इब्तदाई में ख़वातीन हज़रात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि डॉक्टर हुमायूं हुमा जैसी शख्सियत जिनका पश्तो अदब के हवाले से एक बहुत ही मजबूत नाम है, 20 से ज़्यादा पश्तो की इनकी शायरी की भी, नसर की भी, इनका मकाला जो PhD का मकाला है, 20 से ज़्यादा कुतुब उर्दू की, 2 किताबें। तो हम अब चाहेंगे कि डॉक्टर साहब से कुछ पश्तों की शायरी सुने इन्हीं की, इनके अंदाज़े बयां में, लेकिन डॉक्टर साहब फिर उर्दू का मफहूम साथ साथ। जी ज़रूर। अच्छा एक तो ये बिल्कुल कल के अशआर हैं, ताज़ा हैं, गर्म हैं, से भाप निकल रहे। वाह 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 वाह, गर्मा गर्म जी। तो ये इसके ये रदीफ जो काफ़ी जो है ज़रा इसका मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश की। एक बात मैं बता दूँ तो मैं बुनियादी तौर पर खुद को शायर नहीं समझता। अच्छा। मारूफ अंदाज में मैं खुद को शायर नहीं समझ, मैं नसानगार कहता हूँ। ओके ओके जी। बहरहाल लेकिन अच्छा, लेकिन पश्तों में इरशाद क्या कैसे कहते हैं, इरशाद ही कहते हैं? हाँ, इरशाद हमारे एक दोस्त थे इरशाद, मैंने कहा इरशाद, वो भाग कर मेरे पास आ गए। अच्छा, नौकरी द माशूकू कौम प इश्क के, नौकरी द माशूकू कौम प इश्क के, मैं इश्क में माशूकों की मुलाजमत करता हूँ। मुलाजमत जी जी वाह मुलाजमत वाह वाह बरकत अजवी जिक्र में खुदे रिस्क के, इस वजह से अल्लाह ताला मेरे रिस्क में बरकत डालता। वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर जी। बदरोग बतर कम आवाज जुन खड़े, झूठ पर कब तक तुम जिंदगी बसर करोगे, खने गर रचे जुन दंदे सिर्फ सित के, सित से जिंदगी बसर करो, गर्दन ऊंची करके जिंदगी बसर करो, और द ईमान पदे को गुतक दे नुपुशा, ईमान पदे गुतक दिल, ये पश्तो में एक मुहावरा है कि ईमान की जगह पर उंगली रखना छुपाना। अच्छा, ओके हाँ ओके। अगर आप ईमान की जगह पर उंगली रखेंगे तो जोड़ शक गणे पखपल ईमान वासिख के, लगता है कि आप अपने ईमान वासिख में शक रखते हैं। वाह वाह हाँ,
दपेमुख मलाजे का वकवाड़े, हसीनों की जरा उनके सामने उठक बैठक किया करें, किया करें। हाँ, ओके, रिकमेंडेड है, किया करें, ठीक है। जिद से काम नहीं चलता है। हाँ, जिद नहीं, जिद से काम नहीं चलता, जिद से काम। हाँ, दपेमुख मलाजे का वकवाड़े कि कामयाब शिजद मीने पर हर शिक के, अगर मोहब्बत की हर शिक में कामयाबी चाहते हो तो जरा उनकी यार जरा मलाजे कर, उनकी जरा उनकी नखरे उठाओ। हाँ, मलाजमत मलाजमत बहुत जरूरी है। कोई और नौकरी नहीं, मलाजमत ही जरूरी है कि कामयाब। अच्छा, हुमायूना हर अजबा की तलीका, हुमायून हर जुबान में लिखा करो, पश्तो में लिखो, उर्दू में लिखो, फारसी में लिखो, अरबी में लिखो, कुछ ख्याल दीवी द हक पर मुताबिक के, लेकिन अब तुम्हारी हर बात हक के मुताबिक होनी चाहिए। क्या बात है डॉक्टर साहब, लुत्फ आ गया आपका अंदाज़े बयां, और मजाक में उन्होंने बहुत पते की बातें आपको भी बता दी हैं। तो मैंने पहले बता दिया, इतना बहुत रिकमेंड कर दिया। एग्जैक्टली, लेकिन ये जो मुलाजमत वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने इश्क में दिया ना, मुलाजमत वाला, ये डॉक्टर साहब मैंने पहले कभी नहीं सुना। ये हमारी जवानी का राज भी है ये। एग्जैक्टली, ये भी मुझे लग रहा है, इसीलिए अभी वो 78 इयर्स के नहीं लगते। इश्क में मुलाजमत भी ऐसी कि जिसपे प्रमोशन की कोई ख्वाहिश ना हो। आप जिस ग्रेड में भर्ती हुए थे उसी ग्रेड में रहे, रिटायरमेंट पेंशन भी ना मांगे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, लुत्फ आ गया भाई। मैं कहता हूँ कि ऐसा डॉक्टर साहब ने एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर दिया स्टूडियो के अंदर कि इस वक्त कंट्रोल रूम हमारा पूरा क्रू जो है ना सब हंस रहे हैं, सब सबके आंखों से पानी आ रहे हैं जैसे हमारे आ रहे हैं। तो अब जरा मूड को बदलते हैं। अजीज एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तीन शायरी की इनकी किताब है, एक नावल। अजीज साहब कुछ इनायत हो जी। जी डॉक्टर साहब, इजाजत। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। वाह वाह, शुक्रिया। और जाने कौन गुजरता है इस रास्ते से, जाने कौन गुजरता है इस रास्ते से, ये रास्ता हर रोज मुअत्तर होता है। वाह वाह वाह, क्या दर्द के मारो इतना जब्त नहीं करते, दर्द के मारो इतना जब्त नहीं करते, थोड़ा सा रो लेना बेहतर होता है। क्या अच्छा, थोड़ा सा रो लेना बेहतर होता है। और साहिल पर कुछ हाथ हिलाने वाले लोग, साहिल पर कुछ हाथ हिलाने वाले लोग, और आंखों में खुला समंदर होता है, और आंखों में खुला समंदर। और शेर देखिए कि दर दर की ठोकर खाकर लौट आता हूँ, दर दर की ठोकर खाकर लौट आता हूँ, अपना घर आखिर अपना घर होता है। वाह वाह, ये वतन भी हमारा एक घर है। दर दर की ठोकर खाकर लौट आता हूँ, अपना घर आखिर अपना घर होता है। और कम पानी में तैर नहीं सकता है जहाज, गहरे पानी का जो शिनावर होता है। वाह वाह, कम पानी में तैर नहीं सकता है जहाज, गहरे पानी का जो शिनावर होता है। ब्यूटीफुल, वाह बहुत लुत्फ आया। अजीज एजाज साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर हुमायूं हुमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे और हम सब के लिए इंस्पिरेशन बने रहे। बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया जी, आपका, सदीन साहिबा का, आपका भी, और आप तो मुझे जवांतर याद है, लेकिन आप आज भी आप जवांतर हैं। बहुत शुक्रिया। आप मुझसे कोई पूछेगा ना कि आप मुझे मिलती हैं रिटायरमेंट के करीब खवातीन या हजरात, वो कहते हैं हम आपको बचपन से देखते चले आ रहे हैं। हाँ, तो लेकिन अब मैं कोई मुझसे पूछेगा ना कि ये क्या राज है, ये मुझसे अक्सर पूछती रहती है, तो मैं आपका नाम लूंगा। मैं मेरी इंस्पिरेशन डॉक्टर हुमायूं हुमा है कि 78 में भी माशाल्लाह 38-37 वाली आपकी एनर्जी शख्सियत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने डॉक्टर हुमायूं के साथ और अजीज एजाज साहब के साथ ये खसूसी नशिस्त एक्सपीरियंस के, सभी ने आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और जितने भी इस वक्त हजरात हमें देख रहे हैं वो सब आज डॉक्टर हुमायूं हुमा की नसीहतें अपने पल्लू से बांध ले। मुलाजमत, इश्क में मुलाजमत का कॉन्सेप्ट, मुलाजमत का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए, इसको बार बार सुने और पल्लू से बांधे। बहुत ख्याल रखिएगा जी, खुदा हाफिज़।